हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन। आज हम इस वीडियो में आपको जो आईएएस का पेपर हुआ था 4 अक्टूबर को, उसके सीसेट का लेवल क्या था। जो आप सीसेट में एक्चुअली आता है आपका रीजनिंग, कम्प्रिहेंशन और एप्टीट्यूड रहता है, तो उसका पेपर का लेवल क्या था, और जिस स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ तो उसके सीसेट का पेपर का लेवल क्या था। इससे ये पता चलेगा कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे वाईजेक और एनएलसी और अदर जो भी आपके एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उसका लेवल क्या हो सकता है, क्योंकि चूंकि इतने दिन गैप होने की वजह से आपका जो एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है आपको कोरोना की वजह से, कोरोना डिजीज की वजह से, तो वो हो सकता उसका पेपर लेवल सबका इंक्रीज कर दिया, लेवल डिफिकल्टी बढ़ा दी गई है। इसलिए मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि आपका जो पेपर बनेगा जैसे नॉर्मल पेपर बनता था उससे डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए आपको कोई भी सेक्शंस लाइटली नहीं लेना चाहिए, स्पेशली करके जो आपका नॉन टेक सेक्शन होता है एप्टीट्यूड और रीजनिंग, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको एग्जांपल के रूप में दिखा देता हूँ सीसेट का। देखिए सीसेट इसमें आपका जो आईएएस और पीसीएस में होता है ओनली क्वालिफाइंग नेचर होता है कि उसको ओनली क्वालिफाई करना होता है 33% अराउंड ला के, लेकिन आपका जो सीसेट होता है उसके मार्क्स जुड़ते हैं, इसलिए आपको उसको लाइटली लेंगे तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि पेपर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको इंक्रीज कर दिया गया है। तो ये सभी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगा, इसलिए आप इसको ध्यान से ले और जो भी आप सेक्शन तैयार करें एप्टीट्यूड या रीजनिंग का उसको अच्छे से करें, उस पर कमांड कर लें, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप एक्स्ट्रा टाइम का यूटिलाइज करें, जो अदर कमियां हैं उसको दूर कर लें, क्योंकि आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया, इसलिए मैंने सोचा आपको आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दें जिससे आपको बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका है रीजनिंग और एप्टीट्यूड से आता है आपका। जो भी क्वेश्चन है आपके पास 2 आवर्स मिलते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ये तो ईजी हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको बस ये क्वेश्चन आपका देखिए एज से रिलेटेड है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं था। अगर आप हम इसको कम समय में सॉल्व करना चाहें तो जल्दी सॉल्व नहीं होगा, उसको टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो ये इस पर नहीं, अब जी यहाँ पे आपका परसेंटेज से क्वेश्चन दे दिया था, तो ये तो इजी था। जो आपको अगर आपके पास कमांड होगा तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो स्टूडेंट उससे नहीं है, मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए ये पेपर बहुत ही डिफिकल्ट होगा। जो साइंस मैथ्स से होंगे आराम से कर लिए होंगे, लेकिन यह है कि इससे मुझे ये आभास हुआ है कि पेपर की जो डिफिकल्टी पहले से इस बार इस जो टाइम पेपर हुआ है काफ़ी इंक्रीज कर दिया गया। तो ये जो प्रोसेस चल रहा है सभी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, तो इसलिए आप इसको इजी वे में मत लें। जो आपका साइंस और सॉरी जो आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग पोर्शन है उसको अच्छे से करिए, अच्छे से कमांड करिए, कोई भी चीज़ छोड़िए मत आप, क्योंकि आपका जो मेन कंपटीशन होगा इसी पोर्शन में होगा, क्योंकि आपका इतना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है कि आप उसको आराम से कर ले। टेक्निकल पोर्शन आराम से अपने सभी लोग कंप्लीट कर चुके होंगे, उसमें उतना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सभी उतने अटेम्प्ट करते हैं। जो यहाँ पे ज़्यादा अटेम्प्ट करेगा, अच्छा अटेम्प्ट करेगा, उसका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसलिए मेरा ये एडवाइस है कि आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग को अच्छे से कमांड करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें, उसको हल्के में ईजी में मत लें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरा एडवाइस सही लगे तो आप इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा और आप इस चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच।